हेलो, गुड मॉर्निंग। काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग हो रहे हैं तैयार, तो रक्षाबंधन अभी इधर मतलब अपने घर में राखी वाखी बांध के और तुरंत हम लोगों को निकलना है इटावा के लिए, हमारी ननद। और उसके बाद हम इटावा जाएंगे। इटावा में इनकी बड़ी बहन मतलब हमारी बड़ी दीदी रहती हैं, तो ये फिर अब इनकी राखी होगी। हमारी राखी तो हो चुकी है। और उसके बाद तो ये देखिए, मैं बांध रही हूँ राखी। ये मेरा बड़ा भाई है, मतलब मेरे से छोटा है, लेकिन और दो भाई हैं मेरे, तो ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद मैं राखी बांधूंगी। टीका एका हो गया और जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि सिवाय की पता है थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर उल्टी ये सब चीज़ें हो गई। सफ़र वफ़र में हो जाता ना, बच्चे बीमार हो जाते हैं इसी वजह से। और वो बेचारा आज रात भर नहीं सोया, ऐसे ही पड़ा है, तो इसी वजह से परेशान हो रहा है थोड़ा सा। तो अभी राखी बांध के तुरंत हम लोग निकलेंगे। अब इसके बाद मैं छोटे भाई के बांध रही हूँ। ये वो मेरा बड़ा भाई था और ये मेरा छोटा भाई है। और मेरी मौसी का बेटा भी आकर सुबह से ही बेचारा आके बैठा था। उसको भी मतलब मैंने जल्दी बुला लिया था कि धूप उप ना हो और ट्रेवल वगैरह में। और आज के दिन पता है हमारे यूपी में जितनी भी बसें हैं सब लेडीज के लिए फ्री चलती हैं, एक भी पैसा नहीं लगता। तो इस वजह से भी ये लग रहा था कि ऐसा ना हो, ज़्यादा भीड़ हो जाए। और ये देखिए, ये मेरी मौसी का बेटा है। तो सब तीनों के तीनों मतलब तैयार बैठे थे और हमने जल्दी जल्दी राखी की। उसके बाद हम निकल लिए। और लग रहा था कि मेरा भाई बोल रहा था चलो मैं वहाँ तक खुद ही छोड़ दूंगा अपनी खुद की गाड़ी से, लेकिन फिर ये है कि बस में जगह हम लोगों को मिल गई और हम लोग बड़े आराम से आ गए, बिल्कुल भी 1% भी प्रॉब्लम। हम लोग दीदी के घर पहुंच चुके हैं। तो ये देखिए, हमारी बड़ी दीदी हैं जो कि इनके राखी बांध रही हैं और इनकी भी राखी हो गई। तो अच्छा लगता है ना, ऐसे मान के चलिए हम लोगों की 7-8 साल बाद ऐसे साथ में राखी पड़ी है। और वो भी ये कहिए कि थोड़ा सा छुट्टी उट्टी मिल गई तो हम लोग चले गए। और ये देखिए, बुआ कर रही है सिवाय के राखी, और सिवाय बंधवा नहीं रहा था, बहुत नौटंकी कर रहा था क्योंकि उसको पता नहीं है अभी मेरी राखी हो रही। और हमारे यहाँ ना राखी नहीं बांधते, लुम्बा बोलते हैं ना, और आप लोग भी जानते ही होंगे, वो बांधते हैं भाभीियों के। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इस तरह का, मतलब इतने साल बाद हुई राखी और मिले सब लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इधर ही दीदी की नंद है, वो भी खड़ी हुई थी। ये देखिए, ये मेरी भांजी है और ये ट्विन्स हैं, मतलब मेरी बड़ी दीदी जो हैं उनके ट्विन्स हैं, दो बेटियां जुड़वा हैं और ये उनका बेटा है, बड़ा बेटा है, फिर एक दो बेटियाँ हैं। और ये देख रहे हैं आप, इसका ड्रेस कितना सुंदर लग रहा है, इसने खुद ही डिजाइन करके मतलब बता के ऐसे बनवाया है। मैं इसको बोल भी रही थी बेटा मुझे दे दे, बहुत अच्छा लग रहा है तेरा ड्रेस। और ये दोनों बच्चियां ना बहुत अच्छा ही डांस कर लेती, मतलब बहुत ज़्यादा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना अच्छा डांस कर लेती। ये छोटी वाली है और वो थी बड़ी वाली। तो दोनों अपने भाई के राखी बांध रहे। और हमारा वेट हो रहा था, हमको आते आते यहाँ पर लगभग 2-2.5 बज गए थे। काफ़ी टाइम होता है ना, सफ़र वफ़र में लग ही जाता, और हम लोग बाई बस आए तो और ज़्यादा टाइम लग गया। यही अगर ट्रेन से आते तो कम टाइम लगता। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं चाय नाश्ता। ये देखे सब लोग बैठे, और भी दीदी के फैमिली के लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे, सब चाय नाश्ता हो रहा है सबका, बड़ा अच्छा लग रहा था, सब लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद खाना खा रहे हैं, खाने में बना है पनीर, नान, सेवैयाँ, दही बड़े और आलू की सब्जी, ऐसे राइस, सब पूरा खाना, मतलब अच्छा लग रहा, खाना बहुत अच्छा। और बड़ी वाली जो है ना, उसने दोनों ने मिल के, दोनों बहनों ने ही खाना बनाया है, मतलब ट्रेंड है पढ़ाई में भी। और ये देखिए, डांस भी हो रहा है, ये सारे बच्चे मिलके अपना डांस कर रहे थे। और ये गाना वो है ना, 52 गज का दामन मैं मटक के चलूंगी, मतलब काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है। अभी तो ऐसे ही टेम्परेरी था, लेकिन अगर करने पे आए ना तो बहुत अच्छा डांस करती है। Thank you.
ये सारे बच्चे कर रहे थे ड्राइंग, और अभी बज गया है शाम का 5। तो ये देखिए बच्चों ने पिज्ज़ा बनाया है, और जल्दी जल्दी ये सारे पिज्ज़ा बना करके ले आए हैं। लो सब मामी खाओ खाओ, जाओ ना तो वहाँ पे बहुत मतलब बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, अच्छा लगता है सब। और उसके बाद हमारी बनने जा रही है आलू की चाट। तो ये देखिए उसके लिए आलू, बॉयल आलू है ना, उन्हीं को तल लिए छील के, और उसके बाद तल लिए, क्योंकि सुबह में या दिन में सब लोगों ने खाना खाया ही था, और उसके बाद मीठा वीठा सब खा खा के त्यौहार में मन भर ही जाता, तो ये हो रहा था कुछ पटा। तो ये दीदी ने बोला चलो यही बनाते हैं। तो ये देखिए उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला, और ये देखिए इसमें उसके बाद इसमें ग्रीन चटनी बनाई है, उसमें काफ़ी कुछ पड़ा था, अदरक धनिया मिर्ची नींबू सब चीज़ों की चटनी है। बस उसको अच्छे से बंद करके हिला देंगे और हमारी चाट तैयार है। और दीदी कह रही थी चलो सब लोग दोनों में खाते, मज़ा आएगी, सब लोग को चिढ़ा रही थी 10 रुपये प्लेट ऐसे करके। तो हम लोगों ने दोनों में खाया ना तो बड़ा मज़ा आ रहा था, एकदम ठेल वाला टेस्ट आ रहा था, और लग रहा था कि हम लोग ठेल पर ही खा रहे हैं ऐसे करके। तो चलिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम चलिए आज मैं आपको अपनी नंद का घर दिखाती हूँ। तो ये है देखिए किचन, और ये है मास्टर बेडरूम जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब इसका छत वगैरह देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, और अभी नया ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी मतलब इनॉग्रेशन वगैरह अभी जल्दी में ही हुआ है। उसके बाद ये दूसरा रूम है, मास्टर बेडरूम है ये, और इसकी ना लाइट जलाना हम लोग भूल गए थे तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अलग अलग। और ये दोनों बाथरूम है, दो बाथरूम, एक काफ़ी बड़ा है एक थोड़ा सा छोटा है। और उसके बाद ये है हॉल, ये देखिए भगवान का पूजा घर, और ये मतलब पूजा घर जहाँ पर है काफ़ी बड़ा आंगन है, ये इधर हॉल है, सोफ़ा वगैरह सब इधर ही, गेस्ट रूम वगैरह पूरा पड़ा है, और काफ़ी अच्छा घर है, सुंदर है, काफ़ी अच्छे से बनाया है उन्होंने। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय, गुड डे।